जैन फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर कुमार चौहान, मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों, और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, फायर पंप रूम, जो कि दोस्तों बिल्डिंगों में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फायर डिपार्टमेंट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो टैंक मिलेगा दोस्तों बिल्डिंगों में, वो या तो अंडरग्राउंड मिलेगा या साइड में दीवार पे मिलेगा। तो मेरे पास जहां पे मैं अवेलेबल हूं, तो ये टैंक है दोस्तों, देखिए इस पे लिखा हुआ है वाटर टैंक फायर, ये फायर का टैंक है, साइड वाला टैंक है। और सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं पंप रूम के अंदर, ये देखिए जहां से पानी इन हो रहा है, इसको इनलेट वाल्व बोलते हैं। ये देखिए मैं जहां पे आपको दिखा रहा हूं, इसको वाल्व को स्लूज वाल्व बोलते हैं, जो कि हमारा यहां से पानी इन करता है। इन करने के बाद देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सेक्शन हेडर है दोस्तों, ये लंबा हमारा सेक्शन हेडर लगा हुआ है। सेक्शन हेडर से हमारा कनेक्शन दे करके यहां देखिए पंप लगे हुए हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। ये देखिए चारों ये लाइनें पंपों में जा रही हैं। और बिल्डिंगों के अंदर दोस्तों पंप रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं, मैक्सिमम तो चार ही पंप होते हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं फायर फाइटिंग के दौरान, जोकी पंप, हाइडेंट पंप, स्प्रिंकलर पंप और डीजी पंप। लेकिन दोस्तों ये बिल्डिंगों में लोड के हिसाब से, बिल्डिंग के एरिया के हिसाब से कम और ज्यादा भी हो सकते हैं, कहीं पर दो हाइडेंट पंप भी हो सकते हैं, कहीं पे डीजी भी दो होते हैं। तो इस हिसाब से इन पंपों का इंस्टॉलेशन किया जाता है दोस्तों। और पंप पूरी दुनिया के अंदर फायर सर्विस में सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप वह पंप होता है, कोई चक्कर काटती हुई वस्तु जो अपने केंद्र से बाहर की तरफ पानी को फेंकती है। पंप के साथ भी दोस्तों ये तो सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और सेंट्रीफ्यूगल पंप के साथ में मोटर फिट रहती है, ये मोटर है दोस्तों। सेंट्रीफ्यूगल पंप के दोस्तों दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है इसमें इंपेलर, एक होता है केसिंग। इंपेलर जो पानी को गति देने के काम आता है, केसिंग जो वेलोसिटी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करता है, यानी गति को प्रेशर प्रदान करता है, उसको हम केसिंग बोलते हैं दोस्तों। इसका आकार आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। ये आकार आपको बाहर से भी दिखाई देगा, अगर बाहर से नहीं होगा तो ये आकार अंदर खुदा हुआ होगा, यही सेंट्रीफ्यूगल पंप का सिद्धांत है। बिल्डिंगों में सेक्शन हेडर से लेकर के ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सेक्शन हेडर है दोस्तों, और सेक्शन हेडर से पानी आ रहा है पंप के अंदर, जिसको इनलेट लाइन बोलते हैं। ये हमारा सेक्शन हेडर जा रहा है दोस्तों, और पंप में आने के बाद दोस्तों ये डिलीवरी लाइन होती है, ये डिलीवरी लाइन से बिल्डिंगों के राइजरों के लिए पानी प्रस्थान कर जाता है, आगे चला जाता है। तो पंप के लिए दोस्तों पूरी फायर ब्रिगेड के अंदर सेंट्रीफ्यूगल पंप इस्तेमाल किया जाता है। आजकल कहीं पे कटेन सिस्टम भी लगा होता है, तो वहां जिसको कटेन पंप भी बोलते हैं, लेकिन पूरी फायर फाइटिंग के अंदर पंप जो इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल पंप, लेकिन उसको काम के हिसाब से नाम दिया हुआ है, कहीं उसको जोकी पंप दिया है, कहीं उसको हाइडेंट पंप दिया है, कहीं उसको स्प्रिंकलर पंप दिया है, कहीं उसको डीजी पंप दिया है दोस्तों। सबसे बड़ा आप देखिए ये लगा रहता है, जिसको हम प्रेशर स्विच कहते हैं, जो पंप को ऑटो पे चलाने के काम आता है दोस्तों। इसमें रेंज और डिफरेंशियल होता है, जो हमारा स्टार्ट प्रेशर और हमारा बंद प्रेशर बताता है दोस्तों। दूसरा प्रेशर गेज लगा रहता है, जो हमारे लाइन का प्रेशर बताता है दोस्तों। तीसरा इसके अंदर बटरफ्लाई वाल्व लगे रहते हैं, जो हमारी ये इनलेट लाइन है, इसको रोकने के लिए हमारा वो लीकेज आ जाता है,
उसको रोकने के लिए। फिर ये देखिए ऊपर हमारी डिलीवरी लाइन है, ये ऊपर का पानी ऊपर रोकने के लिए, नीचे का पानी नीचे रोकने के लिए कोई लीकेज आ जाता है तो इस प्रकार की रिपेयरिंग के लिए। ये इनलेट लाइन है और जहां से पानी आगे जा रहा है बिल्डिंग के अंदर उसको आउटलेट लाइन बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस साइड में लगा है एयर व्हिसल टैंक, एयर व्हिसल टैंक जो हमारे पास लाइन की एयर को निकालने के काम आता है दोस्तों। और पंप रूम के अंदर दोस्तों पंप लगाए जाते हैं, वो मैंने आपको बताया है। और मैं आपको बताता हूं ये देखिए पंप मैंने आपको दिखाया है, पंप भी लगी होती है और मोटर भी लगा होता है। ये मोटर लगी है, ये दूसरा पंप भी आप देख लीजिए वो पंप है और साइड में लगी हुई है मोटर। और दोस्तों इसको चलाने के लिए मोटर का इस्तेमाल करते हैं। पंप के पुर्जों के बारे में बताया दोस्तों, ये सारे वाल मैंने आपको बटरफ्लाई वाल देखे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पंप होता है डीजी पंप, देखे दोस्तों ये डीजी पंप होता है जिसका बिल्डिंगों में फायर फाइटिंग के दौरान लाइट कटअप होने पर इसको डीजी जनरेटर फायर पंप बोलते हैं दोस्तों। और इसका देखिए ये इसकी बैटरी लगी रहती है, इसको ऑटो में भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैनुअल भी स्टार्ट कर सकते हैं और दोस्तों इसको बंद करते हैं मैनुअली। लेकिन इसका अलग से चार्जर लगा होना चाहिए जो हमारी बैटरी को चार्ज करता रहे और किसी भी फायर इमरजेंसी में अगर इसको स्टार्ट करें तो वो स्टार्ट हो जाए, वो इसका चार्जर है। इस पंप के अंदर दोस्तों कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इसका बस चार्जर और बैटरी का ध्यान रखना होता है दोस्तों। और ये देखिए इसका मैनुअल ऑपरेट करने का सिस्टम है, इस चाबी से आप इसको ऑन कर सकते हैं, रेड बटन दबा के इसको बंद कर सकते हैं दोस्तों। ये फायर फाइटिंग का सिस्टम होता है पंप रूम के अंदर। सेक्शन हेडर लगा होता है जो हमारी इनलाइट लाइन है वो मैंने आपको बताया है। और दोस्तों वहां पे जो इनलाइट लाइन है वहां पे मेटल स्ट्रेनर लगा होता है जो पानी को छान करके पंप में भेजता है, क्योंकि अगर हमारा कबाड़ा पंप के अंदर चला जाएगा, कचरा पंप के अंदर चला जाएगा तो पंप को डैमेज कर सकता है और हमें काफी नुकसान हो सकता है। अब मैं इसका आपको पैनल दिखाता हूं दोस्तों कि इसका पैनल हमारा ऑटो पे मैनुअल पे कैसे चलता है। और दोस्तों पंप रूम के नीचे एक बेस बना होता है जो हमारा कंक्रीट का रहता है और बेस के ऊपर एक फाउंडेशन बना होता है जिसके ऊपर पंप रखे होते हैं। देखिए ये फाउंडेशन मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, इसके ऊपर पंप रखा होता है। और मैं अब इसका पैनल आपको दिखाऊंगा जहां से ये ऑटो और मैनुअल पे ऑपरेट किए जाते हैं। देखिए दोस्तों ये इसका पैनल है, ये सब पंप के हैं। देखिए मेरे पास एक मैन पंप का भी पैनल है, ये स्प्रिंकलर पंप भी मेरे पास है, ये जॉकी पंप भी मेरे पास है। तो दोस्तों ये देखिए इसमें स्विच लगा हुआ है, मैं दिखा रहा हूं, ये एक नंबर पे से आप ऑटो पे कर सकते हैं, जीरो पे बंद है, दो नंबर पे मैनुअल है, मैनुअली आपको चलाना है तो दो नंबर पे करने के बाद आप ग्रीन बटन दबा सकते हैं और ये स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ऑटो पे एक नंबर पे ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पैनल लगे होते हैं दोस्तों और आप इन पैनलों के हिसाब से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर आप फिर भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।